Hey guys, what is up and welcome back to the channel. This is R2K और आज की वीडियो में हम देखेंगे जो नया सीजन इवेंट आया है या शूट या स्कोर जिसमें M13 की डार्क विंग की स्किन आई है, जिसे कि आप देख सकते हो लॉबी में मेरे हाथ में है। ये स्किन मैंने ऑलरेडी अनलॉक कर ली है, तो ये वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि ये स्किन को कैसे जल्द से जल्द अनलॉक कर सकते हैं। ये स्किन मैंने अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45 मिनट्स के अंदर अनलॉक भी कर लिया था। चलो देखते हैं कि क्या क्या मिशन है। आपको सबसे पहला मिशन जो है वो है किल 7 एनिमीज विद एनी स्नाइपर। जैसे कि SVD स्नाइपर सबसे ईजी स्नाइपर है इसमें, क्योंकि आप कंटिन्यूस फायर कर सकते हो और इसमें 7 लोग को ही मारना है। तो बेस्ट है फ्री फॉर ऑल शिपमेंट मैप, इसमें आपको बॉट्स ही मिलेंगे और बंदे ही मिलेंगे जो सेम ही मिशन कर रहे होंगे, उसमें ये ईजीली हो जाएगा। सेकेंड मिशन आता है अर्न द लॉन्ग शॉट मेडल 15 टाइम्स इन MP मैचेस। जैसे लॉन्ग शॉट मेडल अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट होती है SMG। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको स्नाइपर यूज़ करना है, तो इसमें मैं कहूँगा कि आप फ्री फॉर ऑल ही खेलो लेकिन स्नाइपर यूज़ मत करना, SMG यूज़ करना और क्रॉस फायर मैप यूज़ करना। और क्रॉस फायर मैप में मैंने जो वेपन यूज़ की थी SMG के अंदर PP19 बाइजन, जिसे ईजीली रिकॉइल भी कंट्रोल होता है, सबसे ईजी यूज़ करने के लिए है। और इसमें आपको एक कोने में खड़े रहना है और बस खाली बंदों को मारना है, मोस्टली बॉट्स ही आते हैं, तो ये इजीली आपको लॉन्ग शॉट मेडल मिल भी जाएगा। PP19 बाइजन क्रॉस फायर मैप फ्री फॉर ऑल। ये थर्ड मिशन है अंदर वन शॉट वन किल मेडल 10 टाइम्स इन MP मैचेस, अगेन शिपमेंट फ्री फॉर ऑल। और आपको वन शॉट वन किल कर रहा है तो स्नाइपर ही लेनी होगी। और इसमें एक आपको मैं और एक टिप दूंगा, अगर आपने किसी को फायर किया स्नाइपर से और वो नहीं मरा तो बेटर है आप उसको वापस मत मारो, क्योंकि आपको वन शॉट वन किल मेडल ही लेना है। अगर आप उसे वापस सेकंड शॉट में किल करते हो तो आपका किल वेस्ट होगा और आपको मेडल नहीं मिलेगा। फिर फोर्थ आता है किल 10 एनिमीज विद एनी स्नाइपर इक्विप्ड विद एनी 5 अटैचमेंट। अगेन SVD स्नाइपर आप ले सकते हो, 5 अटैचमेंट आपको लगाना है, अगेन फ्री फॉर ऑल शिपमेंट, ईजीली आपका एक ही मैच में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है किल 15 एनिमीज विद एनी स्नाइपर इक्विप विद द टफनेस पर्क। टफनेस पर्क जो ग्रीन कलर का पर्क होता है, इसे मैं दिखाता हूँ, ये है, ये आपको अपनी स्नाइपर में इक्विप करना है और आपको 15 लोग को मारना है। और आपका अगर लक अच्छा रहा तो आपका एक ही मैच में रिफर ऑल शिपमेंट में ये कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हुआ तो आपको एक और मैच खेलना होगा। लेकिन मैं हार्ड पॉइंट खेलने के लिए ज़रा भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है किल 15 एनिमीज विथ एनी SVD इक्विप्ड। SVD इज अवेलेबल इन द प्री बैटल पास नाउ। जैसे कि 21 टीयर पे हमें SVD का जो बेस वर्जन है वो मिलता है, तो उससे आपको 15 लोग कमाना है, अगेन फ्री फॉर ऑल शिपमेंट। और एक ही मैच में अगर आपका कम्प्लीट हो गया तो वेल एंड गुड, वरना दो मैच लगेगी। हार्ड पॉइंट डोमिनेशन खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट मिशन आता है विन 5 MP मैचेस विद द SVD इक्विप। द SVD नीड्स टू बी इक्विप इन हैंड एट द एंड ऑफ द मैच। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको SVD से मारना है, आप MW11 या फिर रेनेटी जो आपको मर्जी हो ले सकते हो एज अ सेकेंडरी वेपन, और आप उससे किल करो। और हो सके तो स्कोस्ट्रिक और अपना ऑपरेटर स्किल में K9 यूनिट ले लो, वो चीज़ लो जिससे आपको किल और मिल सके। वे और आपको 5 मैच जीतना है तो फ्री फॉर ऑल से बेस्ट कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आप थर्ड भी आते हो तो फ्री फॉर ऑल में आप एज अ विनर ही काउंट होते हो। तो ऑपरेटर स्किल में K9 यूनिट और आपके जो स्कोर स्ट्रिक्स हो गए उसमें अगर आपके सैनिटरी गन और हंटर किलर ड्रोन हुआ तो बेस्ट है। और आपको पिस्तौल से किल करके बस खाली एक एक चीज़ें डिप्लॉय करना है, लेकिन याद रहे मैच ख़त्म होने से पहले आपके हाथ में SVD होनी चाहिए, तो ही आपका ये मिशन कम्प्लीट होगा और आपको M13 की ये डार्कविंग की स्किन मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो लॉबी में मेरे हाथ में, और मैं इसका गेम प्ले भी साथ में एंड में डाल दूंगा जो मैंने लास्ट में खेला था विद पिस्तौल एंड एवरीथिंग। तो बस गाइस यही था, अगर आप ये स्टेप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका ये पूरा इवेंट और जो मिशंस है आपके 30 to 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Yeah.